और अब राजस्थान के रण की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है और बैठक के बाद अब परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवार ने राज्यपाल पर हमलावर होते हुए सीधे सीधे कहा है कि हमें विधानसभा में बहुमत साबित करने की जरूरत ही नहीं है। और राज्यपाल कौन होते हैं सवाल पूछने वाले और कहने वाले कि हम विधानसभा क्यों बुलाना चाहते हैं। हमें तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है विधानसभा सत्र बुलाने का और इस बार भी नहीं मानते हैं तो एक बार फिर हम मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे और फिर भेजेंगे, और फिर भी नहीं माने तो हम राजस्थान सरकार की तरफ से केंद्र को कहेंगे कि आप सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजकर हमें जेल में डाल दीजिए, दोबारा चुनाव करवा लीजिए, हम फिर जीत जाएंगे। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, ये जो टग ऑफ वॉर एक तरीके से चल रही है, क्या लगता है अब सियासत आगे कहां तक जाएगी? किसी को कुछ भी नहीं चल पा रहा है। राजस्थान की जनता यही कह रही है, इंतहा हो गई इंतजार की, कब आएगी खबर सरकार की। हमारे साथ हैं राज्य के परिवहन मंत्री जो कैबिनेट से निकल के आए हैं। सर, ऐसा लगता है कि अब होटल में रहने के अब आदि हो गए हैं, पता नहीं कब अब विधानसभा सत्र शुरू होगा, क्योंकि राज्यपाल तो आपकी बात मान नहीं रहे हैं। देखिए, हम होटल में रहने के आदि नहीं हुए हैं। इस वक्त आप मेरे घर पे खड़े हैं और अभी आपने देखा मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है, कल मैं परिवहन विभाग में मीटिंग ले रहा था, सारे एमएलए सब जगह आ जा रहे हैं। होटल में रहने के लिए मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, गवर्नर साहब ने। खुला मैदान छोड़ दें, हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो एमएलए को खरीद कर ले जाए। अब तो हालात इतने खराब हो गए कि अब संविधान को भी कांग्रेस और बीजेपी में बांट कर देखा जा रहा है। संविधान एक ही उपाय है प्रताप सिंह जी, कि ऐसा किया जाए कि विधानसभा में आपके पास बहुमत है, आप बहुमत साबित कर दीजिए और मामला खत्म हो जाए। यही राज्यपाल कह रहे हैं कि आप कहिए कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। देखिए, राज्यपाल जो चाहते हैं वो सब हमने उनको लिख के दिया है। राज्यपाल से हम टकराव नहीं चाहते, कन्फ्रंटेशन किसी कीमत में नहीं चाहते, लेकिन देश के संविधान में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति सबके अधिकार तय हैं। धारा 163 में राज्यपाल बाउंड है मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव भेजेगा उसको मानने के लिए। वो लगातार प्रस्ताव वापस भेजते हैं। राज्यपाल ये बता दे डेट वो कब देना चाहते हैं, घोषित कर दें, हम तो हर डेट के लिए तैयार हैं। लेकिन राज्यपाल जो बात कर रहे हैं कि बहुमत साबित करना चाहते हैं, उन्होंने हमें जो लेटर दिया उसमें कहा आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, आप विधानसभा क्यों बुलाना चाहते हैं, क्यों बुलाना चाहते ये हैं? सवाल करने का उनको हक नहीं है। 6 महीने में 3 बार विधानसभा होती ही है, वो टाइम आ चुका है। इसी सत्र में जब हमें आज 1.5-2 साल हो रहे हैं, 4 बार इन्हीं गवर्नर साहब ने 5 दिन के शॉर्ट नोटिस पर जनता, राजस्थान की जनता इस दाव पे से उब चुकी है, चाहे सचिन पायलट कर रहे हो या गहलोत गुट कर रहा हो, अब चाह रही सरकार चले, इसका अंत क्या है? ये लड़ाई गहलोत साहब की, पायलट साहब की नहीं है। पायलट साहब तो बीजेपी के साथ खेले, ये तो लड़ाई अब तो गहलोत वर्सेज मोदी जी हो गई। या तो मोदी जी इंटरवीन करे और कहे कि इन सब के पीछे मैं नहीं हूँ। मेरे मोदी से बात की अशोक गहलोत ने, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा मुझे पता ही नहीं है, उन्होंने बात की है, फोन किया। एक समझदार मुख्यमंत्री जो तीसरी बार सीएम है, उनकी ड्यूटी बनती है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, उन्होंने गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। क्या वो एक भी चैनल नहीं देखते आज तक? एबीपी न्यूज कोई नहीं देखते? आपका चैनल नहीं देखते? ऐसा कभी हो सकता है इतने समझदार प्रधानमंत्री? लेकिन आज ये समझदारी जनता आपसे अपेक्षा कर रही है कि आप लोग कम से कम बहुमत साबित करके अपने अपने घर रहिए और सरकार चलाइए। बिल्कुल, मैं आज तक से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी आवाज पूरे देश की आवाज है, आप हमें डेट दिला दीजिए, आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे। अच्छा, डेट नहीं देते हैं तो क्या करेंगे अब आप? संविधान का ये अपमान है, हम यही कह रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान। गवर्नर पहले दिन से कर रहे हैं, अभी भी डेट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अब वो डेट नहीं देंगे तो अब वापस हमने आज प्रस्ताव भेजा है 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने का। डेट नहीं देंगे फिर मंत्रिमंडल की कमेटी बैठेगी और फिर विचार करेंगे आगे एक्शन क्या लेना है। राष्ट्रपति पद तक जाना पड़े, प्रधानमंत्री तक जाना पड़े, राजस्थान में इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ आपको पता है परसों। हमने राजभवन से हम टकराव नहीं चाहते, ना गवर्नर साहब से ना बीजेपी से, लेकिन संविधान को तो बीजेपी कांग्रेस में मत बांटो। ये देखिए ना, जो परिवहन मंत्री कह रहे हैं इसके हिसाब से तो रास्ता कहीं नहीं जाता है। रास्ता फिलहाल उस दोराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ राज्यपाल है और एक तरफ गहलोत सरकार है और टकराव जारी है।